यहाँ हम लोग जानेंगे चोक के बारे में। चोक किसे कहते हैं, चोक क्या होता है, चोक कितने प्रकार का होता है। ये देखिए चोक होता क्या है, बता दें कि एसी या फ्रिज में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी, यानी सबसे ज़्यादा फ्रिज में अगर कोई खराबी होती है तो वो चोक होती है। एसी या फ्रिज में सबसे बड़ी खराबी वाली भाग है चोक। जैसे कि देखिए अगर हमारा पूरे फ्रिज का सिस्टम के बारे में हम दिखाएं आपको, ये हमारा सिस्टम है और ऐसे हम बताए थे पिछली वीडियो में कि एक कंप्रेसर है, कंडेंसर है, फिल्टर है, कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर है। ये पाँच मैकेनिकल भाग होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। और कंप्रेसर का कार्य गैस को सक्शन लाइन से खींचकर डिस्चार्ज लाइन से फेंकना है, कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदलता है, फिल्टर उसको छानकर शुद्ध करता है, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करती है और इवेपोरेटर ठंडा करता है, फिर से गैस सक्शन लाइन में आती है। और इस प्रकार से ये पाइपें हैं जिसमें गैस घूमती है। लेकिन अगर किसी कारण से किसी पाइप के बीच में अगर कहीं पर कोई कचरा जमा हो जाए और इतना जमा हो जाए कि गैस का बहाव ही रुक जाए, यानी गैस ही वहां से आगे न जा पाए, तो उसे चोक कहते हैं। यानी किसी कारण से सिस्टम की पाइपों में कहीं पर भी अगर गैस का बहाव रुक गया तो उसे चोक कहते हैं। और गैस का बहाव अगर रुक जाएगा तो एसी या फ्रिज या कोई भी मशीन हो जो ठंडा करने वाली है वो ठंडा नहीं करेगी। तो उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे विस्तार से जानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि चोक हुआ है, या फिर देखिए चोक किसे कहते हैं, या फिर चोक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे माइस्चर चोक, आयल चोक, या फिर हाफ आयल चोक, पूर्ण आयल चोक, या फिर माइस्चर चोक की पहचान, यानी चोक कौन सा हुआ ये कैसे पता चलेगा, या माइस्चर चोक से बचने के उपाय, यानी चोक अगर हो रहा है या बार बार हो जाता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, और चोक कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि चोक कहाँ कहाँ हो सकता है, कंप्रेसर में हो सकता है, कंडेंसर में हो सकता है, या फिर कहाँ कहाँ हो सकता है। और उसके अलावा हम कंडेंसर चोक, यानी कंडेंसर चोक को हम कैसे पहचानेंगे, और कंडेंसर चोक की पहचान यहाँ पर है। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब चोक, यानी अगर कैपिलरी का व्यास रुक जाए तो कैपिलरी चोक कहते हैं, और कैपिलरी चोक को कैसे पहचानेंगे, कैपिलरी चोक की पहचान भी है। फिल्टर चोक, फिल्टर चोक के बारे में विस्तार से जानेंगे, और इवेपोरेटर चोक। तो यहाँ पर हमारे 11 पॉइंट है और 11 को हम लोग विस्तार से जानेंगे आज कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चोक किसे कहते हैं, चोक किसे कहते हैं। तो देखिए सिस्टम, जैसे कि हमारी पूरी फ्रिज का जो सिस्टम होता है, एसी का सिस्टम होता है, किसी का भी सिस्टम होता है, वो प्रक्रियाएं सेम होती हैं। सेम होने का मतलब है कि उसमें भी कंप्रेसर रहेगा, उसमें कंडेंसर रहेगा, फिल्टर रहेगा, कैपिलरी रहेगी, इवेपोरेटर रहेगा, चाहे वो एसी हो चाहे फ्रिज हो। अंतर क्या होगा, इसकी बनावट कुछ अलग हो सकती है, इसका बनावट कुछ अलग हो सकती है, इसका बनावट कुछ अलग हो सकती है, लेकिन बनावट और डिजाइन ही बस चेंज हो सकती है, लेकिन कार्य सभी का एक ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चोक के बारे में जानते हैं, चोक किसे कहते हैं। तो ये जो पूरे सिस्टम की पाइपें हैं, यदि किसी कारण से इन पाइपों में कहीं पर कोई कचरा जमा हो जाए, कहीं पर भी हो सकता है, और वो कचरा जमा हो जाए और इतना जमा हो जाए कि गैस का बहाव ही रुक जाए, उसे चोक कहते हैं। यानी जैसे देखिए हमने यहाँ पे चित्र में थोड़ा सा कचरा की तरह बना करके दिखाए हैं, तो यहाँ से अगर गैस आगे नहीं जा पाएगा तो इसे हम चोक कहते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, अगर गैस नहीं जाएगा तो फ्रिज सिस्टम या एसी हमारी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी, तो चोक कहते हैं। और अगला पॉइंट हमारा इसमें चोक के प्रकार, चोक के प्रकार, चोक कितने प्रकार के होते हैं। तो चोक मुख्य रूप से जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक हमारा है माइस्चर चोक और नंबर दो हमारा है आयल चोक। सबसे पहला है माइस्चर चोक और नंबर दो है आयल चोक। अब माइस्चर चोक किसे कहते हैं बता दें, जैसे देखिए अगर किसी कारण से सिस्टम की पाइपों में जो गैस का बहाव है, माइस्चर चोक जो गैस का बहाव है, अगर वो नमी के कारण रुक जाता है ना, उसे माइस्चर चोक कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम एसी या फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं, तो जो इसमें हम गैस चार्ज करते हैं, उस गैस के भरने से पहले अगर इसमें बाहर के वातावरण की हवा उपस्थित होगी, कहीं पर वातावरण की हवा रहेगी, और वो हवा अगर पहले से रहेगी और बाद में जब हम अपनी फ्रियान गैस इसमें भरेंगे, तो जो फ्रियान गैस है वो अंदर जाएगी और जाने के बाद जो हवा है उसको इतना ठंडा कर देगी, वो ठंडा हवा होकर के बर्फ़ का रूप धारण कर लेगी। और अगर वह बर्फ़ का रूप धारण करती, इतना बर्फ़ जम जाता है कि गैस का बहाव ही वो बर्फ़ जा करके कहीं पाइप में जम जाए ना, तो उसे माइस्चर चोक कहते हैं। यानी अगर नमी के कारण होने वाले चोक को माइस्चर चोक कहते हैं। जैसे अगर ठंडी का मौसम है ना, किसी को सर्दी जुकाम हो जाए ना, वैसे भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये माइस्चर चोक है। तो इसको किसी कारण से, यानी नमी के कारण यदि गैस का बहाव रुकता है, तो उसे हम माइस्चर चोक के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा आयल चोक, जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है, आयल, आयल का मतलब होता है तेल और चोक, तो आयल के कारण होने वाला चोक आयल चोक कहलाता है। आयल चोक का मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम है, जो हमारा पूरे फ्रिज या एसी का सिस्टम है, उसमें देखिए कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर में तेल प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है पॉलिएस्टर आयल। तो जो पॉलिएस्टर आयल होता है, यदि फ्रिज टेढ़ा हो जाए या कभी गिर जाए या फिर कभी बाइक पर या कहीं पर लाद करके लोड करके लेके जाया जा रहा हो, तो कंप्रेसर इधर उधर होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी कि इसका जो तेल होता है वो निकल करके डिस्चार्ज लाइन में पहुँच जाता है
है, और डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर या फिर कंप्रेसर या फिर फिल्टर, इधर कैपिलरी एवापोरेटर, कहीं पर चला जाता है और वो तेल जाकर के कहीं पे इकट्ठा हो जाता है। और अगर वो तेल कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है जिससे भी गैस की बहाव रुक जाती है, और अगर उस तेल के कारण गैस का बहाव रुक गया तो उसे हम कहते हैं आयल चोक। यानी कि अगर आयल के कारण यानी तेल के कारण यदि गैस का बहाव रुक जाता है तो उसे हम आयल चोक कहते हैं। तो आयल चोक के बाद हमारा पॉइंट आता है कि आयल चोक के प्रकार, यानी आयल चोक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो दोनों हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये दोनों आयल चोक के प्रकार हैं, जिसमें एक है हाफ आयल चोक और दूसरा है पूर्ण आयल चोक। इससे भी हेडिंग से भी समझ में आ जाएगा आपको कि हाफ आयल चोक, हाफ का मतलब होता है आधा, कोई भी चीज़ हो हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। तो ये हाफ आयल चोक मतलब आधा आयल चोक, और पूर्ण आयल चोक मतलब पूरा। यानी कि अगर सिस्टम की पाइपों में, जैसे देखिए सिस्टम की पाइपों में गैस का बहाव इतना रुक जाए, पूरा नहीं रुके और थोड़ा सा रुक जाए, यानी आधा अधूरे रूप से, यानी गैस का बहाव आंशिक रूप से रुक जाए, उसे हाफ आयल चोक कहते हैं। देखिए वो कंडेंसर में ही नहीं, जैसे कि हम चित्र यहाँ बना रहे हैं, वो चोक कहीं भी हो सकता है। तो यानी अगर तेल के कारण इतना तेल जमा हो जाए कि गैस का बहाव आंशिक रूप से रुक जाए, उसे हम हाफ आयल चोक कहते हैं। लेकिन अगर वही गैस का बहाव पूर्ण रूप से रुक जाए तो उसे हम पूर्ण आयल चोक कहते हैं। तो हाफ आयल चोक और पूर्ण आयल चोक। तो हाफ आयल चोक के बाद पूर्ण आयल चोक के बाद अगला हमारा है माइस्चर चोक की पहचान। यानी अगर नमी के कारण, यानी जो कि इसमें पहले से हवा थी उसको ये बर्फ जमा दिया, अगर वो नमी के कारण यदि सिस्टम में चोक होता है तो माइस्चर चोक की पहचान क्या है, यानी कैसे हमें पता चलेगा कि माइस्चर चोक है। तो देखिए माइस्चर चोक होने की अवस्था में कूलिंग कॉयल कभी ठंडा करेगा और कभी ठंडा नहीं करेगा, यानी कि रुक रुक करके ठंडा करेगा। और जिस स्थान पर एवापोरेटर में चोक, सॉरी जिस स्थान पर चोक होगा, जिस स्थान पर माइस्चर चोक होगा, वहाँ पर देखेंगे कि उसके ऊपर नमी या बर्फ जमी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर चोक होगा वहाँ पर नमी या बर्फ जमी हुई दिखाई देगी, और जिस स्थान पर एवापोरेटर से कैपिलरी ट्यूब जुड़ी होगी वहाँ पर भी बर्फ जमी हुई दिखाई देती है। उसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या है, माइस्चर चोक से बचने के उपाय। माइस्चर चोक से बचने का उपाय ये है कि हमें कैसे इससे बचा जाए, यानी अगर ये चोक हो रहा है तो कैसे बचा जाए। तो इससे बचने का उपाय ये है कि जब सिस्टम में हम गैस चार्ज करते हैं, एसी या फ्रिज के सिस्टम में जब हम गैस चार्ज करते हैं ना, तो अधिकतम जो माइस्चर चोक है गैस चार्ज करते समय ही हो जाता है। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि जब हम इसमें गैस भरते हैं तो इसके अंदर जो पहले से हवा होती है उस हवा को हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो बाहर अगर नहीं निकल सकी किसी कारण से तो इसमें चोक हो जाता है बार बार। तो इसको बचने का उपाय ये हमारा कि जब हम इसमें गैस चार्ज करने जाएं तो पहले तो बढ़िया तरीके से इसके अंदर की गैस को बाहर निकालें, यानी वैक्यूम करें, और उसके बाद इसमें हम एंटी मोस्ट या एंटी चोक, एंटी मोस्ट या एंटी चोक नामक रासायनिक तरल पदार्थ होता है जिसको गैस चार्ज करने से पहले ये जो चार्जिंग लाइन है चार्जिंग लाइन में डाल दिया जाता है। यानी गैस चार्ज करते समय जो चार्जिंग पाइप रबड़ के लगाएंगे उसमें भरेंगे, जिसकी सहायता से पूरे सिस्टम में चला जाएगा। तो एंटी मोस्ट या एंटी चोक नामक रासायनिक तरल पदार्थ जो होता है छोटे से सीसी में उपलब्ध होता है, 5 रुपये 2 रुपये ऐसे ऐसे इसकी कीमत होती है, हल्के में मिल जाता है। तो एंटी मोस्ट या एंटी चोक नामक रासायनिक तरल पदार्थ अगर डाल दिया जाता है तो इसमें चोक होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो ये हमारा हो गया चोक से बचने का उपाय। और पॉइंट अगला हमारा चोक कहाँ कहाँ हो सकता है, चोक कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इससे बता दें चोक तो कई जगह हो सकता है पूरे सिस्टम की पाइपों में। देखिए चोक कहाँ कहाँ हो सकता है, चोक कंप्रेसर को छोड़ करके कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कंडेंसर में चोक हो सकता है, फिल्टर में चोक हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब में चोक हो सकता है, एवापोरेटर में भी हो सकता है, सिर्फ कंप्रेसर में नहीं होता है। और कंप्रेसर में न होने का कारण क्या है कि कंप्रेसर के पास खुद की पावर है, मतलब कि जब हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं ना, ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करता है। जब यह डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है गैस ना, तो इसके अंदर इतना पंपिंग होती है, इतना प्रेशर चलता है कि कोई अगर कचरा वगैरह होगा भी कंप्रेसर में तो यह यहां से कम निकाल करके आगे पहुंचा देगा, और आगे जाके वो चाहे कंडेंसर में रुक जाए, चाहे फिल्टर में रुक जाए, चाहे कैपिलरी में रुक जाए, चाहे एवापोरेटर में रुक जाए, लेकिन कंप्रेसर में नहीं रुक सकता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चोक कंडेंसर में भी हो सकता है, फिल्टर में हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब में हो सकता है, और एवापोरेटर में हो सकता है, बस कंप्रेसर में चोक नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट रहा हमारा चोक कहाँ कहाँ हो सकता है। और देखिए इसके बारे में अगर हम बताएं, चोक जैसे कंडेंसर में अगर किसी कारण से गैस का बहाव रुक गया तो उसे हम कंडेंसर चोक कहते हैं, फिल्टर में अगर गैस का बहाव रुक जाए तो उसे हम फिल्टर चोक कहते हैं, और अगर कैपिलरी ट्यूब में गैस का बहाव रुक जाए तो उसे हम कैपिलरी ट्यूब चोक कहते हैं, और अगर एवापोरेटर में गैस का बहाव रुक
जाए तो उसे हम इवापोरेटर चोक कहते हैं। कंप्रेसर चोक कभी होता नहीं है। इसके अलावा हमारा क्या है, देखिए कंडेंसर चोक, यानी ये जो अगर कंडेंसर चोक है उस किसे कहते हैं, कंडेंसर में गैस का बहाव रुक जाए उसे कंडेंसर चोक कहते हैं, नॉर्मल है। उसके बाद कंडेंसर चोक की पहचान, यानी कैसे पता चलेगा कि चोक जो है वो कंडेंसर में ही है। इससे पहले बताएं कंडेंसर जब कार्य करता है, पूरी फ्रिज जब कार्य करती है तो कंडेंसर लगभग गर्म होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंसर क्या होता है, गर्म होता है, और सबसे ऊपर सबसे अधिक गर्म होता है, और जितना नीचे आते हैं उतना कम गर्म होता है। तो कंडेंसर लगभग गर्म होता है, लेकिन अगर किसी कारण से सिस्टम में चोक हो गया तो कंडेंसर बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। यानी अगर किसी कारण से सिस्टम में चोक हो गया तो कंडेंसर जो है वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, और अगर कंडेंसर ठंडा हो गया तो समझिए कि कंडेंसर चोक हो गया। कंडेंसर चोक के बाद अगला जो पॉइंट हमारा है, अगला है कंडेंसर चोक के बाद हमारा है कैपिलरी ट्यूब चोक। कैपिलरी ट्यूब चोक, कैपिलरी ट्यूब चोक क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब, अगर ये जो कैपिलरी ट्यूब है देखिए इसका व्यास बहुत कम होता है, कैपिलरी ट्यूब का जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है, जो फ्रिज में होता है 0.22 mm होता है कैपिलरी ट्यूब का व्यास। तो कैपिलरी ट्यूब का व्यास कम होने के कारण इसमें चोक होने की संभावना बहुत अधिक होती है, यानी अगर कैपिलरी ट्यूब में गैस का बहाव रुक जाए उसे हम कैपिलरी चोक कहते हैं। और इसके बाद इसमें कैपिलरी चोक की पहचान, तो पता कैसे चलेगा कि कैपिलरी ट्यूब चोक है, अगर देखिए कैपिलरी ट्यूब चोक नहीं रहेगी तो सबसे पहले करना क्या, हमें फ्रिज का दरवाजे को खोलना है, और अगर हम फ्रिज के दरवाजे को खोलेंगे तो इवापोरेटर से सनसनाहट की आवाज आनी चाहिए। सनसनाहट की आवाज कहां से आती है कि जब पाइप यहां से कैपिलरी ट्यूब के द्वारा जब गैस फेंकता है ना इवापोरेटर में तो इससे सनसनाहट की आवाज आती है। तो अगर वो आवाज आ रही है तो समझिए कि कैपिलरी ट्यूब चोक नहीं है, यानी गैस को यह फेंक रहा है, और अगर आवाज नहीं आ रही है तो कैपिलरी चोक माना जाएगा। तो कैपिलरी चोक की पहचान यह है। कैपिलरी चोक के बाद अगला पार्ट हमारा इसमें आता है, देखिए कैपिलरी चोक के बाद आता है हमारी कैपिलरी चोक की पहचान। तो पहचान इसकी यही है कि कैपिलरी भी बर्फ की भांति ठंडी हो जाती है और इवापोरेटर से जो है वो आवाज नहीं आती है। इसके अलावा अगला पार्ट हमारा इसमें फिल्टर चोक। देखिए फिल्टर चोक सबसे महत्वपूर्ण है। फिल्टर चोक क्या होता है, फिल्टर बहुत अधिक चोक होता है। फिल्टर में एक जाली लगी होती है, अगर जो कचरा आता है वो फिल्टर में कुछ आवश्यकता से अधिक आ जाए, यानी उस जाली में ज्यादा आ जाए और यहां पर जाली में गैस का बहाव रुक जाए, पहले तो यहां पर थोड़ा सा आता रहेगा, जितना आता रहेगा कचरा उतना ये रोके रहेगा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे भर जाएगा यानी पूरा फूल हो जाएगा, तो फिल्टर चोक हो जाएगा। और इसकी पहचान यह है फिल्टर चोक की कि अगर ये जब तक कार्य करता है तो फिल्टर भी लगभग गर्म होता है, क्योंकि कंडेंसर गर्म होता है और कंडेंसर के तुरंत बाद गैस फिल्टर में आती है, तो फिल्टर भी लगभग थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन अगर चोक रहेगा तो फिल्टर के ऊपर इतना ठंडा हो जाएगा कि फिल्टर के ऊपर बर्फ के रूप में जमी हुई दिखाई देगी, यानी बर्फ दिखाई देगी, जिसे हम फिल्टर चोक कहते हैं। फिल्टर चोक के बाद अगला पार्ट हमारा इसमें इवापोरेटर चोक। इवापोरेटर चोक क्या होता है, यानी अगर इवापोरेटर अगर किसी कारण से इवापोरेटर में गैस का बहाव रुक जाए उसे इवापोरेटर चोक कहते हैं, यानी इवापोरेटर में अगर गैस का बहाव रुक जाए उसे इवापोरेटर चोक कहते हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि अगर चोक हो जाए तो क्या करना चाहिए, चोक से बचने का उपाय, अगर चोक मतलब चोक से बचने के उपाय तो बता दिए गए, लेकिन चोक अगर हो जाए उसके बाद क्या करें, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, हमें वेल्डिंग गन से सभी पाइपों को वेल्डिंग करना चाहिए, यानी वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म करना चाहिए। अगर चोक खुल गया तो ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पे कोई कचरा जमा है, कोई आयल जमा है, कोई नमी जमी है, और कंप्रेसर को चालू करके अगर हम इस पाइप को गर्म करेंगे, वेल्डिंग करके अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो इसमें आयल या नमी होगा वो पिघल करके आगे बढ़ जाएगा, और अगर वह आयल या नमी बाहर निकल गया यानी यहां से पिघल के थोड़ा सा और आगे जाएगा, हम इसको गर्म करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा आगे करके, धीरे धीरे क्या होगा ये फिल्टर तक आ जाएगा, और फिल्टर में जाके कहीं साइड में रुक जाएगा, जिससे फिर से सिस्टम कार्य कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि करने लगेगा, बस कर सकता है। तो सबसे पहले वेल्डिंग गन से पाइपों को हमें हल्का हल्का गर्म करना चाहिए, यदि चोक खुल गया तो ठीक है, अन्यथा सिस्टम में जो पांचों प्रक्रियाएं हैं, पांचों प्रक्रियाओं के साथ पुनः गैस चार्ज करेंगे। पांचों प्रक्रियाओं की वीडियो इसी के बाद जस्ट आपको मिलेगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।